खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी मां पुलिस और एक सत्ता सरगना के गठजोड़ के जो है ऑडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। बतावा यह जान रहा है कि यह वायरल ऑडियो मां पुलिस सत्ता सरगना से लेन देन से लेके आरोपी का पकड़े छोड़े तक की बात कह रहा है। तभी क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां तब तक बताया दी कि लगातार सीधी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सट्टा के शिकायत जो है लोगन के द्वारा स्थानीय के द्वारा किंजाल लागी कि खुलेआम सीधी का सट्टा मार्केट बना दिन का है। हालात यह कि मोबाइल व्हाट्सएप और अन्य अन्य माध्यमन के जरिए जो है सीधी माँ बेखौफ रोकटोक सट्टा खिलावा जाल लाग है। जौने के यह जीता जागता उदाहरण यह ऑडियो वायरल दे रहा है। काहे कि ये माँ एक प्रधान आरक्षक और सट्टा सरगना खुलेआम लेन देन के बात कह रहे हैं। एक अन्य जो लड़का के बात की इंजाल लगी कि छोटू से पैसा ले लिया है और साथ में कई सट्टा जो है खिलावे वाले के वह ऑडियो में नाम ली इंजाल लागे। जौने मां साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधान आरक्षक जो सीधी के सिटी कोतवाली में पदस्थ थे उनके द्वारा कऊ में इस सट्टा सरगना से व्यवस्था बनाई जा लगी और इनका तुरंत लाइसेंस बांटा जा लगा। यह अपैध गतिविधि करे खितिर खुलेआम सीधी शहर में कोरिक सोए या अवैध शराब होए या फिर अवैध मेडिकल नशा होए या अवैध सट्टा होए या खुलेआम संचालित है। जौने की यह जीता जागता उदाहरण या अपना या ऑडियो से समझ सकी थे। हालांकि यह वायरल ऑडियो की पुष्टि एमपी संदेश न्यूज 24 नहीं करे, किंतु सबसे बड़ी बात कि लगातार पुलिस के दामन में दाग लग रहे हैं। आखिर यह का वजह ही कि पुलिस बेदागदार हो रही है। सीधे तौर पर समझे लायक बात यह ही कि यह ऑडियो वायरल एक पोल खोले का काफी है कि एक पुलिसकर्मी जेका शहर के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित के साथ साथ शहर के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा थी, वह खुलेआम या में सट्टा कारोबारी से सट्टा सरगना से अपन संबंध जो है जाहिर कह रहा है, उनसे संबंध बनाए रहा है, उनसे लेन देन तक कह रहा है। तक का सीधी के पुलिस अब यह करी का सीधी शहर अब सट्टा के गढ़ बन जाई या सीधी मां सट्टा के सरगना या में खुलेआम तांडव मचे ही। तो सुनी पूरा वायरल ऑडियो, मगर अपना का बताई दी एकर एमपी संदेश कहों से पुष्टि नहीं करे। ये पूरे मामला मां हमारे द्वारा एडिशनल एसपी सीधी अंजुलता पटले से बात की गए तो उनके द्वारा साफ तौर में कहा गया है कि मामला संज्ञान में आया है, पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी के ऊपर वैधानिक और जो मां जांच में दोषी पाए जाए ही उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। तो सुनी पूरा वायरल ऑडियो, आप और अपने परिवार के रख बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। हां सातलाम साहब लोग कहां है? ओए तुम घरे आओ तो आप फोन लगाओ। ये कहा छोटू बस अपना मिल रहा है, छोटू बस है छोटू जब अपना मिल रहा है छोटू से ला लो अपना हमका देवे नहीं आता हुआ वह महीना की नहीं दी हमका हुआ तक उसे ला लेब। अरे नहीं हाँ बता लो बाबा फला जवाब दे दियो लड़का अपना कहा अपना मिले। अरे नहीं उसे अपना फोन लगा तो बात कह लेना नहीं आप अपना करी बात ना करब। हाँ वो हमका देवे नहीं आवा जाए ना हमका सब यही लड़का ही देवी। अरे माई के बेईमान सब जाए खेल आवा तो मन ना जाए ना तो अपना कह दे ना लगा ला फोन फिर हाँ कह दे हाँ कह दे हमको शाम के हमका मिला ये मैं बता दूँ। हाँ जी हाँ यह कहन उससे ऊ का आवत रावत और नीरज मुंशी ले आए मोहन का मुनीष का बापू अरे का सबको पकड़ ला है। अरे सुनील भी बोला साहब लगा बोला फोन। हाँ ठीक ठीक मोहन लगाए थे मिल गए। हाँ अब ले मुनीष का बापू का मोहन सब कहीं का पूरा अंधा ना हो तुम्हारे इन सभी में कहीं कहाँ से काम हो ये बताइए। नहीं लगवाई लाल फोन लगवाई। हाँ ठीक लगवाई हाँ तो जी सात नाम अरे महान। हाँ बहुत सवेरे फिर हम गुरु है ना धीरे धीरे कहा गया सुबह फिर हम धीरज गुरु सुबह अपने पास। हाँ आओ सुबह पप्पू वाला हुआ मिलो है वो कहा गया जाना है सुबह आओ अपन लड़के बता सकता हाँ बता वो कहा गया जाना हल्के में निपटवा दे वो बेचारा मिला सुबह से जैसा कर अपना सिया कोई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक